हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है और आप सब हॉट स्टार पाकिस्तान देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। टाइटल थंबनेल से आप जान ही चुके हैं, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट माय न्यू मोटरसाइकिल। मेरे चैनल पर ये पहली वीडियो होने जा रही है और जब तक मैं अपना नया मोटरसाइकिल फ्रेम में लेके आता हूँ, आप लोग गेस करो कि मैंने कौन सी बाइक ख़रीदी है और कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रा कॉमेंट करके भी मुझे बताओ ताकि पता चले कि आप लोग मुझे कितना अच्छा जानते हो। बस मैं एक मिनट में अभी अपना नया बाइक लेके आता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, हेयर इट इज़ न्यू टू मी यूज्ड 2018 मॉडल होंडा का CG 125 यूरो 2। मैंने आज तक नहीं सोचा था कि किसी दिन मैं इस मोटरसाइकिल को ओन करूँगा, बट जैसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा होती हैं, शायद ये भी ऐसा ही है, ये भी कोई एक अनहोनी ही है। दिस इज़ माई न्यू परचेज होंडा CG 125। और अब मुझे पता है आप लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं, हारिस भाई क्यों ख़रीदा आपने CG 125 और आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने CG ही ख़रीद लिया। तो मेरे पास जवाब है, सारी बातों के जवाब देता हूँ आप लोगों को। तो भैया, इस मोटरसाइकिल को परचेज़ करने की सिर्फ एक ही रीज़न थी, मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो कि इजी टू मेंटेन हो और फन टू राइड हो। होंडा की CG 125 में ये दोनों चीज़ें हैं। ये मोटरसाइकिल ईजी टू मेंटेन भी है और फन टू राइड तो है ही। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मेरा भी दिल किया कि मैं इस ओवरहेड वाल्व्स इंजन से प्रोड्यूस होने वाले पूरे 12 हॉर्स पावर यूज़ करूं और उसके साथ साथ जो जो मॉडिफिकेशन हम लोग इस मोटरसाइकिल पे करने जा रहे हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। तो भैया, मेरे CG का सीन ये है कि इसका रिसेंटली अभी टॉप एंड रीबिल्ड हुआ है। इस मोटरसाइकिल्स के हेड वेल्व्स की सीट्स, रिंग्स, पिस्टन, ये सारी चीज़ें, रॉकर आर्म्स और सिलाइयाँ वगैरह वो मैं चेंज करा चुका हूँ। इस मोटरसाइकिल की क्लच प्लेट्स भी मैंने ऑलरेडी अपग्रेड करा ली हैं। मुझे थोड़ा अरसा हो चुका है इस मोटरसाइकिल को ओन किए हुए और देख लो कितना बड़ा राज तुम लोगों से छुपा के रखा। तुम्हें बताया नहीं कि भाई ने फाइनली होंडा ले ली है, मैं भी होंडा वाला लौंडा बन चुका हूँ अब। और मुझे पता है मेरे यामाहा फैंस जो हैं, जिन लोगों को ये लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा यामाहा फ़ैन हूँ, तो वो लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी YB 125G सेल कर दी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बाइक अभी भी मेरे पास और मेरा कोई इरादा नहीं है उसको सेल करने का, बस थोड़े से पैसे पड़े थे और थोड़ा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, तो मैं जाके CG 125 ले आया। अब बात कर लेते हैं कि इस मोटरसाइकिल के साथ करना क्या है और स्टेप बाय स्टेप वो मॉडिफिकेशंस क्या होंगी जो इस बाइक के साथ हम लोग करेंगे। जनरली इस बाइक में इतना ज़्यादा काम तो नहीं है, वैसे इसको थोड़ी सारी सफाई और बाकी ज़रा साफ़ सुथराई और मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इट फील्स लाइक कि पहले जिस बंदे के पास ये बाइक रहा, उन्होंने शायद ये इनकी मेंटेनेंस वगैरह को नेगलेक्ट किया। बाइक मैंने परचेज़ की है ऑनलाइन ही एक फोरम से, और एक चीज़ जो मैंने अब करनी है, इसके फ्रंट फोक की सील लीक है वो रिप्लेस करनी है मैंने, ताकि इसकी जो फ्रंट फोक है वो बहना बंद करे। और इस मोटरसाइकिल के टायर्स बिल्कुल ख़त्म है। इसको मैंने थोड़ा सा चलाया और एक टाइम पे मुझे लिटरली ऐसे फील हुआ कि मेरा मोटरसाइकिल नीचे से निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम मैंने करना है अपने मोटरसाइकिल के लिए नए टायर्स ढूँढने, और प्रॉबेबली ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगा क्योंकि ऑनलाइन ये मोटरसाइकिल ख़रीदा है। तो लेट्स बिगिन विद आर ऑनलाइन टायर रिसर्च। जब मैंने ऑनलाइन रिसर्च स्टार्ट की तो मुझे ये पता चला कि मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियां पाकिस्तान के अंदर जो कि टायर्स बनाती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के टायर्स हैं। इन टायर्स के अंदर डिफरेंट प्लाईज आती हैं, 4, 6 और 8 प्लाई। अगर सिंपल ज़बान में बोलूँ तो हर टायर के अंदर नायलॉन के थ्रेड्स का एक जाल बना होता है। 4 प्लाई के अंदर आप सिंपली ये कह सकते हैं कि 4 डिफरेंट जाल होते हैं। 6 प्लाई में स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ाने के लिए 6 जाल कर दिए जाते हैं और 8 प्लाई में स्ट्रेंथ को इवन ज़्यादा बढ़ाने के लिए 8 प्लाईज कर दी जाती हैं। इसके अलावा टायर्स में डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स या ट्रेड होते हैं। अब पैटर्न ये डिफ़ाइन करता है कि आपका टायर क्या करेगा। अगर आपने मोटरसाइकिल शहर के अंदर चलानी है तो उस पर ऑन रोड पैटर्न वाला टायर इस्तेमाल होगा। ऑन रोड पैटर्न वाला टायर इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि बाइक आपको शहर के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी, रोड ग्रिप और फ्यूल इकोनॉमी दे। अगर आपने कच्चे रास्तों पर ज़्यादा जाना है तो आप ऑफ रोड या एंड्योरो स्टाइल का टायर यूज़ करेंगे। ये एक ऐसा टायर होता है कि जो हम यूजली ट्रेल बाइक्स पे या रैलीस के अंदर इस्तेमाल होने वाले मोटरसाइकिल्स पे देखते हैं। इस पे बड़े बड़े नॉब्स होते हैं जो कि कच्ची रोड को ज़्यादा बेहतर ग्रिप करते हैं। और जैसे हमारे मुल्क की सड़कों की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसे ही सरफेसेस के लिए ड्यूल पैटर्न टायर बनाए जाते हैं जो कि कच्चे और पक्के दोनों रास्तों पर इस्तेमाल होते हैं। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन ये है कि आप अपने बाइक के फ्रंट पे ऑन रोड टायर लगाओ और बाइक के रेयर पे ड्यूल पैटर्न टायर लगाओ। उसकी रीज़न ये है कि बाइक में फ्रंट टायर सिर्फ स्टीयर करता है जबकि रेयर टायर ब्रेकिंग,
एक्सेलरेशन और हर तरीके की ड्यूटी, हर तरीके का लोड रेयर टायर पे आता है। तो मैं भी अपने बाइक का जो फ्रंट टायर है वो रेगुलर इस्तेमाल करूंगा और रेयर टायर सॉलिड और अच्छा वाला टायर डालूंगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, टायर बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, बट एक कंपनी ऐसी है जो कि पायनियर है और जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर टायर्स बनाना स्टार्ट किए, वो कंपनी है पैंथर टायर्स। 1983 में बनने वाली कंपनी पैंथर टायर्स ने पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले मोटरसाइकिल का टायर बनाना शुरू किया। आप अक्सर मेरी वीडियोस में देखते हो, मैं एक बात बोलता हूँ कि जब तक हम लोकलाइजेशन स्टार्ट नहीं करते किसी प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट हमें आसानी से अवेलेबल नहीं होती। और आज देख लो, हमें हर मोटरसाइकिल के अंदर पैंथर का टायर ही नज़र आता है। अभी इस मोटरसाइकिल के अंदर करंटली पैंथर का विक्टर टायर लगा हुआ है, जो कि इसके प्रीवियस ओनर ने मुझे बताया कि वो 4 साल से ये टायर यूज़ कर रहे थे। अभी भी इसमें अच्छा खासा ट्रेड रहता है, बट अब मेरा ख्याल है कि मुझे टायर चेंज कर लेने चाहिए। अगर आप मेरी टायर रिसर्च की बात करो तो मैं सिंपली दराज पे गया, दराज पे मैं पैंथर टायर्स के फ्लैगशिप स्टोर पे गया और वहाँ से मैंने टायर्स ऑर्डर किए। अब अगर टायर्स की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको टायर दिखा दूँ। ये आ गया फ्रंट टायर और ये आ गया रेयर टायर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पैटर्न कौन से हैं, फिर चलते हैं और इन टायर्स को इस मोटरसाइकिल पे इंस्टॉल करवाते हैं। तो फेलोज, दराज से मैंने ऑर्डर किया अपने सीजी के लिए 2/50/18 पैंथर का टायर और ये है फ्रंट पे इंस्टॉल होगा। ये ऑन रोड पैटर्न है इस टायर का। और बैक के लिए मैंने ऑर्डर किया है ट्रैकर और ये 8 ply का टायर है और ये बाइक की रेयर पे इंस्टॉल होगा। अब फ्रंट पे मैंने ये टायर क्यों सिलेक्ट किया और रेयर पे मैंने ये टायर क्यों सिलेक्ट किया? किसी भी बाइक के अंदर फ्रंट टायर का काम स्टेयर करना होता है, जबकि रेयर टायर जोर भी लगाता है, रुकता भी है, स्किड भी करता है और ट्रैकर का जो पैटर्न है ये आपको एक्स्ट्रा ग्रिप प्रोवाइड करता है। अगर आप इस पैटर्न को गौर से देखो तो आपको इस पर ट्रेड ब्लॉक्स बने हुए नज़र आएंगे। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको एक्स्ट्रा ग्रिप प्रोवाइड करते हैं और ब्लॉक्स के अंदर का जो गैप है, इसके अंदर से अगर खुदा न खास्ता रोड पे पानी हो तो वो पानी निकल जाता है और बाइक आपका स्लिप नहीं होता। मेरे से तो वेट नहीं हो रहा, अभी चलते हैं टायरों वाली दुकान पे। उसे कहते हैं भाईजान पुराने टायर उतारो, नए टायर इंस्टॉल करो, फिर करते हैं आगे की बात। तो फेलोज, फाइनली आई एम बैक। टायर इंस्टॉल करा लिए हैं, फ्रंट पे पैंथर का 2/50/18 इंस्टॉल करा लिया और बैक पे पैंथर का 317 ट्रैकर 8 ply का टायर इंस्टॉल करा लिया। अभी जो टायर्स चेंज करने के बाद से बाइक चलाने का मज़ा है ना, आई विश कि मैं किसी तरीके से आप लोगों को ये बता सकता कि बाइक की ग्रिप कितनी इंक्रीज़ हो गई है, बाइक कितना सॉलिड और प्लांटेड फील हो रहा है। और जब मैं ब्रेक मारता हूँ ना तो मुझे ये टेंशन नहीं होती, मतलब मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हुआ है। जब आप अच्छा टायर यूज़ करते हो तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बहुत कम होता है। ये थी हमारी होंडा सीजी 125 की सीरीज की पहली वीडियो। आई नो बाइक थोड़ा गंदा है, थोड़ा पॉलिश, थोड़ा साफ सफाई, थोड़ा मेकअप चाहिए इसको। This is going to come soon. Thank you very much for watching this video. I know जितना shocking ये मेरे लिए था, शायद उतना ही shocking आप लोगों के लिए था कि यार मैं भी CG ले सकता हूँ। But this is what it is. I'll see you later. Bye.